अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्या बनाएंगे? आज हम बनाएंगे मंडाला। ठीक है, अब मंडाला बनाने से पहले ना मैं थोड़ा सा आपको उसका बैकग्राउंड दूंगी, क्योंकि शायद काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होता कि मंडाला का एक्चुअली मकसद क्या है। वो फिर क्वेश्चन करते हैं कि ये क्या तुम सर्कल के अंदर डिज़ाइन बनाई जा रही हो, उसमें क्या खासियत है। तो इसका पहले एक थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूँ कि अगर आपने अपना मंडाला कहीं किसी एग्जीबिशन में भी दिया है, कोई आर्टिस्ट आके आपसे पूछ ले कि डू यू एक्चुअली नो द बैकग्राउंड ऑफ मंडाला, और आपको उसका आंसर ना आता हो, तो फिर बड़ी काफ़ी एम्बैरेसिंग बात है। तो बैकग्राउंड इसका ये है कि ये एक रिलीजियस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता था। बुद्धिस्ट ने ये स्टार्ट किया था 4th सेंचुरी में, अपने एक इवेंट के लिए एक सेरेमनी उनकी की जाती थी हर साल, जिसमें ये पहले मंडाला को क्रिएट करते थे। ठीक है, जब वो क्रिएट हो जाता था, इनकी सेरेमनी स्टार्ट होती थी, इनके जो मॉन्क्स होते थे वहाँ पे प्रे करते थे, मेडिटेट करते थे, उसके बाद उस मंडाला को डिस्ट्रॉय करते थे। अब डिस्ट्रॉय क्यों करते थे, उसके पीछे एक मैसेज होता था कि एवरीथिंग इज़ नॉट परमानेंट, ये मैसेज होता था। तो उसको इसलिए डिस्ट्रॉय किया जाता था। दैट सर्कल, मंडाला का सर्कल रिप्रेजेंट्स अर्थ, तो एक तरह से उनके ये कहने का मतलब था कि अर्थ इज़ नॉट परमानेंट। तो वहाँ पे बैठ के सारी मेडिटेशन करते थे, इनलाइटमेंट हासिल करने के लिए ये सारी सेरेमनी की जाती थी। 3 टाइप्स ऑफ मंडाला जो हैं वो मेन होते थे, कि वैसे तो काफ़ी सारे टाइप्स हैं मंडाला के, लेकिन जो मेन टाइप्स होते थे वो होता था हीलिंग मंडाला, टीचिंग मंडाला एंड सैंड मंडाला। ये मेन 3 टाइप्स होते थे। कहाँ प्रैक्टिस होते थे ये? ज़्यादातर चाइना, जहाँ पर बुद्धिज़्म ज़्यादा है, चाइना, इंडोनेशिया, भूटान, तिब्बत, जापान, इंडोनेशिया, ये सारी जगहें जो थी यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता था। तो लेट्स गेट इनटू द मंडाला स्टफ। बहुत बातें हो गई, अब हमें यहाँ काम स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, मैं आपको सिखाऊंगी पहले कि मंडाला को ईजीएस्ट तरीके से कैसे, और ज़्यादा ईजी कैसे बनाया जा सकता है, कि आपको पता हो कि आप जब मंडाला बना रहे हो तो आपको उसके स्टेप्स पता हो कि आपने अब इस लाइन में क्या बनाना है, इस लाइन में क्या बनाना है, कंपोजिशन, आपके डिज़ाइन की कंपोजिशन कैसे हो, कि वो एक आंख को, हालांकि सिंपल सा डिज़ाइन हो, क्या हो, लाइनें हो या फिर ज़िगज़ैग हो, लेकिन वो दूसरे की आंख को, व्यूअर को जो है अट्रैक्ट कर जाए। तो लेट्स गेट इनटू इट। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करेंगे अपना मंडाला। मंडाला में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप इसको एक ही पर्टिकुलर साइज में बना सकते हो, आपकी मर्जी। आपने बड़े स्केल पे बनाना है, बड़े स्केल पे बना लें, छोटे स्केल पे बनाना है, छोटे स्केल पे बना लें। मैं एक मीडियम साइज मंडाला बनाऊंगी, ठीक है, जो कि 8 इंचेस का होगा, ताकि मुझे उसकी पता हो कि 4 उसका मिड होगा, उसके सेक्शन अच्छे तरीके से डिवाइड हो सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट मेकिंग आवर मंडाला। अपने कंपास को 4 इंचेस तक खोल लेना, ठीक है, तो लाइक इस तरह से, आप लोगों को पता नहीं चलेगा ये चीज, ठीक है। ये हमारा होगा मंडाला मेन, ठीक है। हमने यहाँ पे फिर अब उसके 4 सेक्शंस कर देने हैं, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ताकि हमें ना एक आउटलाइन मिल जाए, बनाने में आसानी हो जाए हमें, ठीक है। तो लाइक हमें ये बनाना है, ठीक है, फिर हम अगला बनाएंगे। अब हम उसका मेट ढूंढेंगे, ठीक है, पेंसिल से निकाल लेते हैं एक तरह से, ठीक है। तो भाई अब हमने अपने मंडाला को 2 इंचेस तक खोलना है, ठीक है, ये हमने 2 इंचेस तक खोल लिया हुआ है। यहाँ इस वाले कॉर्नर पर रख के, ठीक है, ये आर्च लगाई, इसके ऊपर रख के ये आर्च लगाई, इधर रख के ये आर्च लगाई, इधर रख के ये आर्च लगाई, ठीक है। इस तरह हमारे पास 12 सेक्शंस आ जाएंगे। तो अब जो सामने सामने वाली आर्चेज होंगी उनको हम मिक्स करेंगे, मिलाएंगे आपस में।
अच्छा स्टार्ट अब हम जो लाइंस होती हैं उनसे करेंगे कि जो लाइन की थिकनेस वगैरह होती है और लाइन में जो पार्टीशंस वगैरह होती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हम अगर डिज़ाइन बनाएंगे तो बीच में एक पार्टीशन की ज़रूरत होगी हमें, तो हम लाइन को थोड़ा सा थिक करेंगे, ठीक है, बॉर्डर्स बनाएंगे उनके। तो इस तरह से हमने उनके बॉर्डर्स बना लेने हैं। ज़्यादा थिक लाइन भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा थिन लाइन भी नहीं होनी चाहिए, एक नाइस अमाउंट ऑफ थिकनेस आपके मंडाला के अंदर होनी चाहिए ताकि वो सर्कल्स जो हैं आराम से उसके अंदर डिज़ाइंस बन सकें। और आप एज अ डिज़ाइन भी इसको यूज़ कर सकते हैं, एज अ कलर फिलर भी यूज़ कर सकते हैं, इसके बीच में एक छोटा पैटर्न भी बना सकते हैं, यू कैन डू एनीथिंग विद इट। फिर हम स्टार्टिंग करेंगे छोटे पैटर्न से, फ्लावर के पेटल्स, राउंड टिप फ्लावर पेटल्स जो होते हैं वो मैं बना रही हूँ। और फिर उससे अगले वाले जो बॉर्डर था उसके अंदर मैंने डॉट पोल्का डॉट्स लगाए थे पहले, ताकि मुझे पता चल जाए मैंने कहाँ सेमी सर्कल्स बनाने हैं। फिर मैंने उनको सेमी सर्कल लाइन के साथ साथ जोड़ के बनाए थे ताकि बीच में मुझे एक वेवी लाइन सी मिल जाए अगर हम इसको दूर से देखें तो। अच्छा फिर मैंने अपने जो वो मेरे पेटल्स थे उनके बैकग्राउंड को मैंने ब्लैक से कलर कर दिया ताकि मेरा जो फ्लावर है सेंटर में वो एम्फसाइज हो जाए थोड़ा सा, और उसको फिर मैंने एक स्ट्रेट लाइन से क्लोज़ कर दिया सेंटर से ताकि एक फिनिशिंग लुक आ जाए। फिर मैंने जो है पॉइंटेड फ्लावर पेटल्स जो होते हैं उनसे मैंने जो है बीच में डिज़ाइन क्रिएट किया, ठीक है, एक फ्लावर बनाने के लिए, पूरा कंप्लीट करने के लिए बहुत ध्यान से ये बनाना होता है ताकि आपके हर एक पेटल जो है दूसरे पेटल से मैच कर रहा हो, डिफरेंट ना हो। उन पेटल्स को बनाने के बाद अब बीच में क्योंकि वाइट एरिया काफ़ी रह गया था उसको फिलअप करने के लिए मैंने ट्राइंगल्स बनाए और उनको ब्लैक से ही मैंने उसको फिल कर दिया बीच में से, ताकि बीच का वाला जो डिज़ाइन है वो थोड़ा भरा भरा लगे। उन पेटल्स के बीच में मैंने बस एक छोटा सा मेहंदी टाइप सा डिज़ाइन बना दिया था टू फिल अप दैट एम्प्टी स्पेस। अच्छा फिर मैंने एक सनफ्लावर टाइप एक फ्लावर बनाना था जिसके लिए मुझे दो स्पेसेस चाहिए थी, दो पार्टीशंस चाहिए थी, क्योंकि मैंने एक बड़ा पेटल बनाना था और एक छोटा बनाना था। तो बाहर वाली जो लेयर थी उसमें मैंने बड़ा बनाया और अंदर वाली लेयर थी उसके अंदर ओवरलैप करते हुए मैंने पेटल्स बनाए जहाँ से हमारा बड़े वाला स्टार्ट हो रहा था उसके सेंटर से छोटे वाला स्टार्ट हो रहा था, फिर छोटे वाले के सेंटर से बड़े वाला स्टार्ट हो रहा था। तो इस तरह से ओवरलैपिंग करके मैंने ये एक डिज़ाइन क्रिएट किया, उसको फिर मैंने उसकी लाइंस को थिक कर लिया छोटे वाले की लाइंस को, पेटल को, और उसके अंदर जो डायमंड शेप बन रही थी उसको एक और मैंने लाइन दे दी ताकि वो एक खूबसूरत सा अंदर एक सेक्शन सा बन जाए। फिर मैंने जो बड़े वाला पेटल था उसके अंदर जो है एक लीफ होता है, टच मी नॉट इफ़ यू नो अबाउट इट, वो मैंने उसके डिज़ाइन को लेके मैंने बनाया उसके अंदर, और उसके भी बैकग्राउंड को फिर मैंने जो है ब्लैक कलर कर दिया था ताकि एम्फसाइज हो जाए वो अंदर से लीफ। फिर मैंने उसके अब क्योंकि वाइट स्पेसेस बहुत बच रही थी इसमें, क्योंकि बड़े वाले पेटल को मैंने टच नहीं करना था इसके बाद उसके अंदर कुछ नहीं बनाया, तो मैंने छोटे वाले के लीफ के अंदर लाइंस बना दी स्ट्रेट, बिल्कुल बिल्कुल। अब जो बड़े फ्लावर का जो बॉर्डर था उसको मैंने ब्लैक से फिलअप कर दिया सारा। अब क्योंकि यहाँ सारे फ्लावर का जो पेटल्स हैं सारे बाहर की तरफ निकल रहे हैं, आधे को हमने बाहर की तरफ निकाल दिया था, अब जो बाकी आधा रह गया है उसको हम अंदर की तरफ डिज़ाइंस बनाएंगे, लाइक हमारे डिज़ाइंस का जो फेस होगा वो अंदर की तरफ होगा। तो मैंने यहाँ पे फ्लावर पेटल के शेप का ही एक बनाया, लेकिन उसके जो एंड था उसके अंदर मैंने लूप्स क्रिएट कर दिए टू क्रिएट अ डिफरेंट काइंड ऑफ डिज़ाइंस, क्योंकि फ्लावर पेटल हमने भी बीच में भी बनाए थे। अब जो ये वाले फ्लावर पेटल्स हैं उनके सेंटर में मैंने लूप्स एक और बना दिए ताकि हमारा डिज़ाइन अंदर की तरफ जाता हुआ लगे, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने जो लूप्स वो फ्लावर पेटल्स थे उनके बीच में डायमंड क्रिएट किया कि अब यहाँ पे मैंने जो दो पार्टीशंस बनाई हुई हैं उनको बजाय कलर करने के मैंने उस डायमंड में यूज़ कर लिया कि आधा डायमंड मेरा ऊपर है और आधा नीचे है। फिर जो मैंने लूप्स बनाए उसके अंदर मैंने पोल्का डॉट्स बना दिए ताकि हमारा डिज़ाइन मर्ज होता हुआ नज़र आए बड़े से छोटे तक। फिर पार्टीशंस की दूसरी साइड पर मैंने जिगजैग डिज़ाइन बना दिया
ताकि वो पिछले वाला जो डिज़ाइन है वो अगले वाले डिज़ाइन से मैच होता हुआ लगे। उसके बीच में फिर मैंने पोल्का डॉट्स बना दिए हर जगह जगह। जहाँ हमने डायमंड्स बनाए थे, डायमंड्स के सेंटर में मैंने ट्रायंगल शेप्स बना दी, क्योंकि मैंने फिर इन शेप्स को जो आउटर हमारी वो थी पार्टीशन उसके साथ मिला के कलर करना है ब्लैक से ही, ठीक है। और इसको बॉर्डर को भी मैं कलर करूँगी और साथ ही साथ ट्रायंगल को भी कलर करूँगी, ताकि मेरा जो बॉर्डर है उसमें भी एक डिज़ाइन शो होना शुरू हो जाए। तो लाइक हमारा फिर ऐसे होगा कि डार्क कलर से आहिस्ता आहिस्ता डिज़ाइन में आया और डिज़ाइन से फिर छोटे छोटे डॉट्स में आ गया मर्ज करने के लिए हमारे डिज़ाइन को। फिर मुझे वहाँ पे थोड़ी स्पेस खाली लगी थी कि जहाँ हमने पेटल्स बनाए थे, तो वहाँ मैंने फिर एक और लूप्स वगैरह बना दिए और उनको जो बाहर वाला हमने लूप्स बनाए थे उनको मैंने फिलअप कर दिया ब्लैक, फिलअप कर दिया ब्लैक से। फिर लास्ट में मैंने बिल्कुल ही आसान सा और सिंपल डिज़ाइन रखना था, तो मैंने यहाँ पे ज़िगज़ैग क्रिएट किया। पहले ज़िगज़ैग लाइंस लगाई, बिल्कुल स्ट्रेट लगानी है ताकि हमारा डिज़ाइन बिल्कुल भी ख़राब ना हो। उन ज़िगज़ैग लाइंस में फिर हमने ट्रायंगल्स बनाने हैं, लाइक इस तरह से हमने उन ज़िगज़ैग लाइन के बीच में ट्रायंगल्स बनाने हैं और उन ट्रायंगल्स को फिर हमने ब्लैक से कलर कर देना है, ताकि हमारे पास एक ज़िगज़ैग लाइन बीच में क्रिएट हो जाए। उसके बाद हमने उस ज़िगज़ैग लाइन के ऊपर ब्लैक डॉट्स बना देने ठीक है। ओके, नाउ फाइनली माय मंडाला इज डन। ये क्लोजअप लुक भी मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी, तो ये देखिए, कोई इतना मुश्किल नहीं था, सिर्फ और सिर्फ डिज़ाइंस जो थे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है हर जगह। आपका जो डिज़ाइन है उसका जो क्या कहते हैं आप बना रहे हैं ना, तो वो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए आगे जाके, ज़्यादा छोटा ना हो जाए, इक्वल रहे सारा, ताकि एक लुक बहुत नीट सी आती है उसकी वजह से। अब कलर्स में बैलेंस मैंने कैसे किया, मैंने जहाँ पे डिज़ाइन ज़्यादा कर दिया वहाँ पे कलर कम कर दिया, जहाँ पे कलर ज़्यादा किया है वहाँ पे डिज़ाइन कम कर दिया। यहाँ पे मैंने इक्वल रखा, डिज़ाइन भी उतना ही रखा और कलर भी उतना ही रखा, क्योंकि बीच में सबसे ज़्यादा जब वो बाहर निकल रहा होता है तो आप या तो ज़्यादा डिज़ाइन नहीं कर सकते या तो ज़्यादा कलर नहीं कर सकते, उसको आपने इक्वल रखना था। बाहर की जितनी भी लाइन आ जाती हैं उसमें आप फिर ऐसे करते हैं कि डिज़ाइन फिर आप स्विच करते रहते हैं कि या डिज़ाइन ज़्यादा हो जाए या कलर ज़्यादा हो जाए, तो इस तरह से मंडाला की ना लुक ज़्यादा खूबसूरत लगती है, अट्रैक्टिव लगती है, कि दूर से अगर कोई देखने वाला हो तो अट्रैक्टिव लगे। सो आई होप यू गाइज लर्न समथिंग न्यू, आई होप यू लर्न हाउ टू बैलेंस द थिंग्स, यूनिटी कैसे लेकर आते हैं, हार्मनी कैसे लेकर आते हैं, ताकि आपके मंडाला की लुक जो है बैलेंस लगे, उसके अंदर यूनिटी लगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ बिग थम्स अप, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।